सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू ब्लॉग वीडियो। और जैनी ने दो बेबीज को जन्म दे दिया है और देख सकते हैं आप, दोनों ब्लैक, प्योर ब्लैक है गाइस। जैनी अभी आराम कर रही है और बच्चे दूध पी रहे हैं। सो गाइस, जैनी ने जब बच्चों को जन्म दिया, हमने वीडियो रिकॉर्ड करा था और घर में टीवी चल रहा था, काफ़ी लंबी वीडियो थी तो फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे, और टीवी चल रहा था, गाने चल रहे थे तो कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर करके आपको समझाते हैं, बताते हैं कि कितनी परेशानियों से गुजरते हुए जैनी ने दो बेबीज को जन्म दिया है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। उससे पहले गाइज, अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ऑफिस से मैं घर पहुंचता हूं और देखता हूं जैनी को सुबह से पेन हो रहा था, तो उसने कल रात का ही खाया जो खाया, तो मैंने फिर उसको शाम को फिर कुछ खिलाने की कोशिश करी, दूध पिलाने की, बट ये पी नहीं रही थी, काफ़ी सुस्त पड़ी हुई थी, और क्योंकि इसके पेन हो रहा था गाइस, तो कभी भी बच्चों को जन्म दे सकती थी, तो हमने धागे, ब्लेड और हनी अरेंज करके रख लिया क्योंकि रात को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी इनकी। तो गाइस, हमने इसको खिलाने पिलाने की कोशिश करी बट ये नहीं पी रही थी। तो 2:08 पे गाइस फिर जैनी ने फर्स्ट बेबी को जन्म दिया जो कि एक फ़ीमेल थी, और गाइस इसने फर्स्ट बेबी जन्म दिया बट गाइस विदाउट थैली बेबी बाहर आया, आप देख सकते हैं। और हमने इसे फटाफट साफ़ करा, इसकी नाभि भी टूट चुकी थी गाइस अंदर ही, और 1.5 इंच रह गई थी, तो हमने इसे फटाफट साफ़ करा, अच्छे से रब करा, और फिर इसकी जो नाभि थी उस पर धागे से गांठ बांधी ताकि ब्लीडिंग ना हो, और फिर गाइस को साइड करा और जैनी का कार्डबोर्ड साफ़ करा, नीचे से गंदा हो गया था। और फिर गाइस कुछ ही देर बाद 3:50 पे जैनी ने सेकंड बेबी को जन्म दिया, वो भी फीमेल थी गाइस, दोनों फीमेल थे। तो गाइस ये निकल नहीं रहा था गाइस, काफ़ी मैं ज़ोर लगा रहा था, खींचने की कोशिश कर रहा था, जैनी अटका हुआ था, जैनी भी कोशिश कर रही थी, नहीं निकल रहा था। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खींच सकता था, बच्चों को चोट पहुँचती क्योंकि ग्लव्स भी नहीं थे मेरे पास गाइस, तो कैसे भी मैंने खींच दिया और फिर देखा कि 1.5 मिनट हो चुका था, बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था गाइस, मैं तो डर गया था कि कुछ क्या हो गया, नहीं रहा बच्चा ये। फिर गाइस मैंने काफ़ी कोशिश करी, साफ़ करी, झटके दिए उसको, फिर एकदम से गाइस वो हिलने डुलने लग गया, मूवमेंट करने लग गया, तब जाके जान में जान आई गाइस। और फिर उसको हमने फटाफट साफ़ करा, उसकी नाभि बांधी और कट करा, और फिर गाइस उसको साफ़ करके एकदम अच्छे से हनी वनी शहद वहद चटा के फिर हमने जो बॉक्स बनाया था उसमें उसको रख दिया। और फिर गाइस अटक ये इसलिए रहा था क्योंकि पहले वाले बच्चे की थैली वो भी इसके साथ ही बाहर आने की कोशिश में थी गाइस, तो इसलिए अटक रहा था, तो उसको भी हमने बाहर कर दिया और फिर कार्डबोर्ड को उल्टा कर दिया, इधर से पूरा साफ़ है कार्डबोर्ड। और फिर गाइस सुबह के 6:30 बजे तक हमने वेट किया, काफ़ी वेट किया क्योंकि जैनी का पेट भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2 ही बच्चे दिए हैं। तो गाइस ये हैं दोनों बच्चे, आप देख सकते हो दोनों अभी काफ़ी हेल्दी हैं और ये दूध पी रहे हैं अभी गाइस। ये बॉक्स है जो मैंने बनाया था, इसमें अखबार कट करके रख रखे थे और कुछ बिछा रखा था चादर, इसमें मैं रात को सुलाता हूँ ताकि मच्छर ना काटे और जैनी दबा भी ना दे। तो गाइस इनको उठ उठ के दूध पिलाना पड़ता हर 1.5 घंटे पर। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और उनकी आँखें अभी नहीं खुली हैं, जैसी आँखें खुलेंगी ये सब चीज़ मैं आपको आगे इसी चैनल पर दिखाऊँगा, इन सब की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, और कब कब इनकी डिवॉर्मिंग करनी है, कब इनको क्या डाइट देनी है, ये सब मैं आगे आपको बताऊँगा। अगर आपने भी आगे फ्यूचर में डॉग ट्रेन कर रखा है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप पेट लवर हैं तो प्लीज़ कर देना ताकि वीडियोस पहुँचे पहले आप तक, और मिलते हैं आपसे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक के लिए जय हिंद।